त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। फरवरी में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर बैठक की है। आज निर्वाचन आयोग में बैठक हुई। बोर्ड परीक्षा से पहले पंचायत चुनाव कराने की तैयारी। चुनाव के लिए दिल्ली से मंगाए जा रहे हैं बैलेट पेपर। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, राज्य निर्वाचन आयोग में बैठक होगी आज और दिल्ली से बैलेट पेपर मंगवाए जाएंगे। बोर्ड्स की परीक्षा से पहले पंचायत चुनाव कराने की तैयारी में जुटी हुई है सरकार और इस बात पर चर्चा भी हो रही है, मंथन भी किया जा रहा है कि चुनाव के लिए दिल्ली से बैलेट पेपर मंगाए जाए। पंचायत चुनाव से जुड़ी लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, फरवरी में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है, इस पर चर्चा किया जा रहा है, इसको लेकर बैठक हो रही है। राज्य निर्वाचन आयोग में चुनाव को लेकर अहम बैठक जारी है और इस बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। चूंकि मार्च अप्रैल तक बोर्ड्स के एग्जाम्स चलते रहते हैं, इसको देखते हुए पंचायत चुनाव पहले कराने की तैयारी की जा रही है, यानी कि फरवरी के महीने में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी हो सकती है। दिल्ली से बैलेट पेपर मंगाए जाएंगे, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है लखनऊ से, जहां पंचायत चुनाव फरवरी में कराने की तैयारी को लेकर चर्चा हो रहा है, मंथन हो रहा है, बैठक जारी है इस मुद्दे को लेकर और राज्य निर्वाचन आयोग में चुनाव को लेकर ये अहम बैठक हो रही है। क्योंकि मार्च अप्रैल तक बोर्ड्स के एग्जाम्स चलते हैं, इसको देखते हुए पहले पंचायत चुनाव कराने का जिक्र किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं संकेत, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। संकेत, बोर्ड्स एग्जामिनेशन से पहले पंचायत चुनाव, खबर ये भी आ रही है कि दिल्ली से बैलेट पेपर मंगाए जा रहे हैं, क्या इनपुट्स मिल पा रहे हैं, बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई? ये 25 दिसंबर को कार्यकाल पूरा हो रहा है, जितने भी उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत है वहाँ पे प्रधान प्रतिनिधियों प्रधानों का, तो ऐसे में अब राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं और वोटर पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया। आज से वो रिपोर्ट जमा होनी है, 4 नवंबर उसके लिए लास्ट डेट भी थी, आज वो रिपोर्ट जमा कर दी जाएंगी जो भी सर्वे किया गया है डोर टू डोर जाके, और उसके बाद में फिर जो मतदाता सूची का क्या छपाई का कार्य किया जाएगा और बैलेट पेपर दिल्ली से मंगाए जा रहे हैं ये तय हो चुका है बैठक में। वही निर्देश दिए गए हैं जितने भी जिलों के अफसर हैं, खासकर जिलाधिकारियों को, कि सीधे तौर पर तैयारियां शुरू कर दी जाए और ये उम्मीद जताई जा रही है कि बोर्ड के बाद चूंकि गर्मी ज्यादा होती है और दिक्कत ऐसे में आएगी तो वो चुनाव फरवरी में पंचायत चुनाव कराने की चर्चा आज बैठक में हुई है। हालांकि अभी तारीखों का पूरी तरीके से ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इतना तय है कि फरवरी में राज्य निर्वाचन आयोग चाह रहा है कि चुनाव करा दिए जाए, संपन्न करा दिए जाए। 25 दिसंबर दरअसल कार्यकाल पुरानों का पूरा हो रहा है, तो 25 तारीख को कार्यकाल पूरा हो रहा है। संकेत, बोर्ड्स एग्जाम को लेकर जो ये अहम बात सामने रखी जा रही है, चूंकि जो 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे वो मार्च अप्रैल तक चलते रहते हैं बच्चों के, और इस बार उसको लेकर ये बात आना कि फरवरी में चुनाव कराया जाए और दिल्ली से भी बैलेट पेपर मंगवाने की तैयारी, जाहिर सी बात है जो आज बैठक को हुई है इसमें सीधे तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। अमूमन ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि ईवीएम का कहीं ऐसा तो नहीं पहली बार इस्तेमाल किया जाए पंचायत चुनाव में, लेकिन ऐसी बात अब खत्म हो गई है, अब सीधे बैलेट पेपर मंगाए जा रहे हैं और दिल्ली में से वो बैलेट पेपर आएंगे। बैलेट पेपर लाने के लिए जो कमेटियां हैं वो जिले स्तर पर निर्देश दिए गए हैं, कमेटियां तय कर ली जाए अभी से, और जैसे ही वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन कराया जाएगा उसके तुरंत बाद बैलेट पेपर लाने होंगे। और राज्य निर्वाचन आयोग ने आज इस संबंध में बैठक की है और इसमें सरकार की तरफ से प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। ठीक है, शुक्रिया जानकारी के लिए संकेत।